कहते हैं कि कई सौ सालों से, हजारों सालों से यहाँ की चिता की आग जो है कभी बंद नहीं हुई। आपको अभी हम लाइव दिखा रहे हैं कि चिता में जो है कैसे यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। कोरोना के टाइम में कितना जलता होगा? कोरोना के टाइम में तो पर साल तो समय तो कम से कम लाइन लगा रहा है। व्हाट्सअप गाइज, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं वाराणसी के नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं सामने खड़ा हूं काशी विश्वनाथ टेंपल के। ये वही नया वाला कॉरिडोर है जो कि बनाया गया है काफ़ी सालों के मेहनत के बाद और काफ़ी मशक्कत के बाद बना है। उसके उधर जो है आपको पता है कि कैमरा अलाउ नहीं है और हम भी बाबा का दर्शन किए हैं कल, लेकिन अंदर मोबाइल वोबाइल कैमरा ले जाना कुछ अलाउ नहीं होता, तो अंदर तो आपको कुछ नहीं दिखा सकते। लेकिन ये जो विश्वनाथ टेम्पल का ये कॉरिडोर बना है ये सीधा मणिकर्णिका घाट से जो है कनेक्ट होता है, तो ये हम आपको बाहर से बस इतना दिखा सकते हैं। और यहाँ पे एक भव्य मंदिर है और सामने जो है भारत माता की ये मूर्ति बनी हुई है। तो अभी हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। मेरे साथ है शिवांश भाई फिर से और आपको हम दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट पे क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा क्या होता है, फिर भी आपको चल के हम डिटेल्स में बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन जो है अभी हो रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत जो है काम बाकी है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा और पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इस एरिया का। आप सामने देख सकते हैं कितनी आग जल रही है। ये वही जगह है जहाँ पे कि बहुत सारा चीता हमेशा जलते रहता है और कहते हैं कि कई सौ सालों से, हजारों सालों से यहाँ की चीता की आग जो है कभी बंद नहीं हुई। तो हम आपको वही जगह दिखा रहे हैं, चलिए आपको हम और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मणिकर्णिका घाट के जो है आसपास ये काफ़ी सारा मंदिर बना हुआ है, यहाँ सामने बहुत सारा बोटिंग होता है और इस एरिया को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है फिर से। चलो भाई रास्ता निकालो। यहाँ पे तो देख रहे हैं पूरा कीचड़ वीचर हो चुका है, शायद हम लोग आगे से आते तो होता, वहाँ पे फंस जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये लोग भी इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। काफ़ी संघर्ष है भाई। किधर से जाएंगे भैया, आगे से घूम के जाएं? ठीक है, चलिए भाई साहब बोल दिए इधर से जाने के लिए। ओह हम लोग को ना चढ़ा ले, पूरा एडवेंचर हो गया। गिट्टी उट्टी पत्थर कादों पे सब पे चलते हुए जेसीबी के आगे जाएंगे हम लोग। बस आ गए आ गए। ओ भैया थोड़ा संभल के, क्या हुआ? हो तो हम लोग घाट पे जो है पहुंच चुके हैं। इस तरफ बहुत सारी चिताएं जल रही है। पहले सीढ़ी पे जलता था इस पे? हाँ। अच्छा, ये पहले सीढ़ियाँ थी। हाँ, सीढ़ियों पे होता था, तो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है। इसी से मतलब कि रास्ता तो बहुत ऊँचे ऊँचे मट्टी थे, इसे तोड़ कर मतलब कि देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कितना सारा लकड़ी है और यहाँ लकड़ी को तोड़ने के लिए बना हुआ है। ऊपर हो जा सकते हैं, मेन रास्ता यही था ना पहले? हाँ, दोनों साइड जलता था पहले इस तरफ से। मेन रास्ता ही है, इसका नाम है कचौड़ी गली। कचौड़ी गली ये वाला? हाँ। और यहाँ बहुत सारा मंदिर है और शिव जी का जो मतलब कि बाढ़ आया था, भूकंप आया था। हाँ, वो मंदिर ही वही है जो मतलब कि धस गया था, टेढ़ा हो गया है उस तरफ। हाँ, वो जो लोक रहा है। अच्छा, उसको भी दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
पहले इस जगह को अच्छे से दिखा देते हैं। तो अभी चिताएं वहीं पे सिर्फ जल रही है ना, हम लोग ऊपर जाकर थोड़ा देख सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा और ऊपर जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको अभी हम लाइव दिखा रहे हैं कि चिता में जो है कैसे यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। पते ये समय तो बहुत ही कम है, अभी कम हो गया है। हाँ, ये समय तब वो 100 के आसपास हो जाएगा। 100 डेली? हाँ, 116 डेली डेली। अरे बाप रे, प्रतिदिन 24 घंटा जलता है ना। हाँ, कहते हैं कि हजारों वर्षों से आग नहीं बुझा है। हाँ, यहाँ का आग कभी नहीं बुझता है। कोरोना के टाइम में कितना जलता होगा? कोरोना के टाइम में तो पर साल ते समय तो कम से कम लाइन लगा रहा, लाश रखे के जगह नहीं। हाँ, कम से कम 200 नहीं, 400-500 पर डे। डेली 10 दिन चला था। अच्छा, लाश को जलाने के बाद प्रशासन को मोरना पड़ गया, हर घाट पर छीट दिया 10 दिन के बाद। अच्छा, काम को बांट दिया ना, तो यहाँ पे बहुत जैसे हरिचंद घाट। हाँ, मोहने। हाँ, मुहाने घाट पर ये पारो पार जैसे जगह जगह बांट दिया ताकि भीड़ कम हो जाए यहाँ। तब जाके भीड़ कम हुआ, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा था। कहते हैं कि स्वर्ग का द्वार है यहाँ। हाँ, पे जिसको दाह संस्कार किया जाता है उसका सीधे स्वर्ग में जो है उसको मिलता है, एंट्री होता है। यहाँ पर ज्यादा भीड़ होता है ना। हाँ, नहीं तो और भी अगल बगल घाट बहुत। सही बात है, कहते हैं शंकर जी भगवान यहाँ खुद आके डुबकी लगाए थे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ा घूम लेते हैं हम भी। चलिए, तो भाई साहब बताए यहाँ पे क्या सिस्टम होता है। चलिए और दूसरा शिव मंदिर देखते हैं। लकड़ी देखो भाई कितना है, और सब लकड़ी जल जाता है। पर मशीन वाला है तो उस पर मशीन से लाश जल रही है वहाँ पे। वो जो चिमनी बना हुआ है, शिवांश ने बताया कि वहाँ पे जो है मशीन से लाश जलता है। जिसको मशीन से जलाना है वो मशीन से जला लेता है, जिसको लकड़ी में चाहिए उसको लकड़ी में। करके मतलब सब लोग मतलब लकड़ी से ही जलाता है। हाँ, और मशीन से बहुत कम लोग। अच्छा, तो गाइज आपको हमने अभी दिखाया मणिकर्णिका घाट पे कैसे चीता को जो है जलाया जाता है। तो ये आखिर घाट, स्पेशली ये घाट ही क्यों फेमस है? ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने जो है भगवान शंकर ने जो है खुद काशी जो है नगर है उसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको बोलते हैं ईश्वर का निवास स्थान। मतलब यहाँ भगवान शंकर खुद रहते हैं। और हमने भी ऐसे ही रिसर्च किया, यूट्यूब से देखा, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो उस घाट पे हुआ क्या था कि भगवान शंकर, पार्वती माता बोली कि मुझे जो है मृत्यु लोक पे जाके गंगा नदी में स्नान करना है। तो यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने डुबकी लगाई तो भगवान शंकर का जो है कहता है कि कुंडल जो है वो गिर गया कान से बोल के। तो उसके साथ और 7 ब्राह्मण थे, तो उन्हीं में से एक ब्राह्मण को बोला गया कि आप वो कुंडल खोज के निकालो। तो ब्राह्मण ने तो कुंडल खोज लिया, लेकिन वो छुपा लिया, लालच आ गया उसको। तो इससे भगवान शंकर बहुत गुस्सा हो गए, उनको पता चल गया, और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुम इसी मृत्यु लोक पे रहोगे। उनको चंडाल बोला, उसी को आज हम लोग डोम प्रजाति के नाम से जानते हैं। तो अभी वो इसी मृत्यु लोक पे रहते हैं, और जो भी लाश से जलती है इनका जो भी काम होता है वही लोग करते हैं। तो उनका जो है वंश एक्चुअली ब्राह्मण से ही स्टार्ट हुआ था, और वो उन सदियों उस सदी से जो है वो लोग ये काम करते हुए आ रहे हैं। और यही स्टोरी है, इसलिए काफ़ी फेमस है। और चूँकि भगवान शंकर यहाँ खुद आए थे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ काफ़ी फेमस है। यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है उसका सीधा जो है स्वर्ग में प्रवेश होता है, मतलब ये स्वर्ग का एंट्री गेट है।
और गंगा नदी में जो है डुबकी लगाने पे आपके सारे पाप जो है धुल जाते हैं, जो अंदर का जितना कुछ है वो निकल जाता है। और चलिए और हम भी डुबकी लगा लेते हैं फिर गंगा जी में आगे चल के। क्या शिवांश भाई, हाँ अभी लगाएंगे? नहीं मैं तो लगा लिया हूँ सुबह का। आप तो यहीं पर रहते हो, आपका हाँ। तो घर ही है। मैं तो यहाँ 2400 घंटा रहता हूँ। दाह संस्कार करके सब कोई आते हैं हाँ। तो यहाँ पे मतलब कि जलपान करने का व्यवस्था रहता है उनको आराम करने के लिए। यहाँ पे वही रेस्टिंग एरिया बना हुआ है हाँ यहाँ पर। अच्छा ये इस तरह से ये घाटी है या यहाँ? इस तरफ से मतलब ये घाटी है जिसका मतलब जो दाह संस्कार करने से पहले हाँ। बाल वाल बनता है हाँ, मुंडन ये सब सभी मतलब कि जो कार्यक्रम होता है हाँ। वो सब मुंडन इधर नहीं होता है। मुंडन यानी वो बाल कटने के बाद जो बाल छिलाते हैं हाँ। वो सब यहाँ पे होता है। अच्छा सब काम। तो आज ये सब क्यों नहीं दिख रहा है? आज मतलब कि भीड़ थोड़ा कम हो गया, थोड़ा हम लोग लेट में आए हैं। अच्छा दिन में होता होगा डेफिनेटली, जो भी होगा हाँ आपको उधर से दिखला दिया जाएगा। अच्छा यही मंदिर धस गया है जो, ये कब धसा था? 2012 में जो भूकंप आया था हाँ हाँ, इस कारण से मतलब कि थोड़ा पानी के दबाव से हाँ, ये मंदिर एकहर हो गया है, मतलब अच्छा। एक कोने का धस गया है। तो बरसात जब होती है तो पानी कहाँ तक आ जाता है यहाँ पर? पानी जो है कि यहाँ से मतलब कि ऊपर पूरे ये सब मंदिर जो है यहाँ तक हाँ, ये मंदिर मतलब कि पूरे डूब जाते हैं। अच्छा ये मंदिर पूरे डूब जाते हैं, लेकिन जो ये मंदिर है हाँ, बाबा भोलेनाथ का हाँ, ये मतलब कि ये पूरा नहीं डूब पाता है। अच्छा। इसका जो गुंबद है झंडे वाले ये मतलब हाँ, बच जाता है, वो बचा रहता है, वो बचा देगा चाहे जितना ही बाढ़ आ जाए, जितना ही पानी भर जाए हाँ, वो बचाता है, तो बाकी इधर सब भर जाता है। अरे वाह, सब पानी चढ़ जाता है। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं तो समझिए ये एरिया डूबा रहता है। चलिए अब पुल फंद के आगे बढ़ा जाए। तो इस तरफ से आपको अभी दिखा रहे हैं मंदिर सामने से जो कि धस चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप पानी आ जाता है, थोड़ा कीचड़ बन गया है। जय भोलेनाथ। तो ज़्यादा कुछ तो आपको हम दिखा नहीं पाएंगे, अंदर रोशनी नहीं है, बट अंदर भगवान शंकर शिवलिंग है ना अंदर, पानी और इंतजार कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब बहुत ही रिलैक्स मोड में है, भोले के वक्त असली यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। हम भाई साहब खोज गए यहाँ पे नहाने का जगह। हम यहाँ पर डेली रात को जो है 9 बजे 10 बजे आकर बैठा करते थे, और यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज थर्सडे है तो शायद उस वजह से आज काफ़ी पर्यटक है यहाँ पर। सोच रहे यहीं पर कहीं डुबकी लगाया जाए।